Narayan.
पुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां समर्पयामि त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामूखदे सोमो राजा विधवान्नसमादमुच्यत क्लीं कृष्णाय गोविंदाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोपीजनवल्लभाय नमः हरिः ॐ मा भूर्भुवः स्वः सहस्रशिरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगो सर्वात् स्मृतवात्यतिष्ठत् साङ्गोलम् पुरुष इवेदगो सर्वञ्जद्भूतञ्जच्च भाव्यम् उतामृतद्वस्ये सा नो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुकः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्द उदयेत्पुरुकः पादोस्येह भवत्पुनः ततो विखमं व्यक्रामत् सासना नशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः स जातु अत्यर्चत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् ज्ञा सर्वहुतः संवृतं बृहदाज्यं पशुस्तांशग्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जी बोलियपुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय पूज्य पाद स्वामी जी महाराज की जय ओम इदगो हविः प्रजननम् मे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगो स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयु असमासो दत्ता कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमालाङ्कलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय मंत्र पुष्पांजलि
Jajiyena jajamaya janta divastani dharmani prathamanya sannati hanakam mahimanaha sachanta jatrapurvi sadhyaha santi divaha Umikadantaya vidmahi vakratundaya dhimahi tanno danti prachodayat Mahalakshmai cha vidmahi vishnubatne cha dhimahi tanno lakshmi prachodayat Narayanaya vidmahi vasudivaya dhimahi tanno vishnu prachodayat Katyayanne cha vidmahi sarvasatte cha dhimahi tanno divi prachodayat Tatpurukhaya vidmahi mahadivaya dhimahi tanno rudra prachodayat बिल्वा प्रभाल तुलसी दल मंजरी विष्टम पूजयामि जगदी स्वरमे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणी यथाकालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि भगवते श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः भागवत महापुराणे की सदगुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की सुखदेव महाप्रभु की परम पूज स्वामी श्री उड़िया बाबा जी महाराज की परम पूज स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की परम पूज भगवान की परम पूज महन जी महाराज की परम पूज स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे राधे सभी स्वामी श्री अखंडानंद सेवा शिविर में जितने भी भक्त संत बिंद ब्राह्मण बिंद रह रहे हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है परम पूज महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं आप लोग आएं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर परम पूज महाराज श्री के श्री मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं जय श्री राधे जय श्री कृष्ण के बाद भी इनमें इतनी सादगी है इतनी सरलता है इतना सबका सम्मान करते हैं इतना सबका ध्यान रखते हैं वो गुण में कई साधुओं को कई संतों को देखा है पर ये गुण मिलना बहुत ही भगवान की देन है कि इनका इतना सादगी जीवन है वो सबको साथ में लेके चलते हैं आज ये गुरु जी की भागवत मैंने दो दफा कराई थी एक दफा मैंने करवाई थी वहाँ बॉम्बे के अंदर परम प्रेमपुरी में और एक सेकंड हमने श्री नारायणी धाम में करवाई थी ये भागवत इतनी अच्छी कथा करते हैं उसमें अच्छी इतनी शिक्षा देते हैं जो प्रैक्टिकली आपको समझ में आए और जिसको आप ग्रहण कर सकते हो बस इतना कह के मैं आप सब लोगों को अभिनंदन करता हूँ आप सब लोग यहाँ पधारे हो और मैं सोचता हूँ आप सब लोग पूरी भागवत को सुनोगे और उसको उसका मनन करोगे धन्यवाद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सीताय पतये अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वाटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपादे श्रीरामदूतं शरणं प्रपादे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल Oh.
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। कण कण में विराजमान परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पावन वांग्मय विग्रह को नमन करते हुए सबसे पहले प्रयागराज तीर्थ भारद्वाज मुनि मेला क्षेत्र में पधारे हुए सभी साधु महात्मा आचार्य गणों के पावन चरणों में नमन करते हुए सभा में समुपस्थित परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री दामोदरानंद सरस्वती जी जो नेपाल से पधारे हैं, परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री रंगानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन से पधारे, अनेकों तीर्थों से आए हुए सभी पूज्य संतों के पावन चरणों में नमन करते हुए बेंगलोर से पधारे हुए जिनका जीवन ऋषि तुल्य है, ऐसे तो सफेद कपड़े में रहते हैं लेकिन इनका मन, इनकी साधना आराधना सन्यासी की तरह है। ऐसे आदरणीय फणिराज और उनकी धर्मपत्नी आदरणीय मणि, उनके समस्त परिकर इस पावन कथा के यजमान मुंबई से पधारे हमारे ही शिष्य बड़े ही धर्मात्मा दानवीर जीपी जयप्रकाश बैरागड़ा जी, उन्हीं के साथ उनके संबंधी बड़े ही धर्मात्मा वे भी दानवीर हैं शंकरलाल जैन, उनका समस्त परिवार भगवान की असीम कृपा से तीर्थराज प्रयाग धाम में महात्माओं के मध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने का यह अवसर बड़े ही सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है। भगवान की और गुरुदेव की पावन कृपा है। बिना भगवान की कृपा, बिना गुरुदेव की कृपा ये अमूल्य अवसर मिलना संभव नहीं है। बारह वर्ष में एक बार महाकुंभ आता है, छह वर्ष में एक बार अर्ध कुंभ आता है। अभी आप लोग अर्ध कुंभ में हैं। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के नाम से ये सेवा शिविर स्थापित हैं संतों की सेवा के लिए। करीब करीब अपने इस शिविर में 50-60 संत हैं, रोज करीब 100 संतों का दर्शन होता है यहाँ पर। इस शिविर की स्थापना का एकमात्र प्रयोजन था संतों की सेवा।
और संतों की सेवा के माध्यम से फिर ध्यान साधना। हम दुनिया को तो बहुत जानते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से आप मिलते हैं, आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख से आपको बहुत कुछ मालूम पड़ता है, दुनिया की चीजें मालूम पड़ती हैं, और वो दुनिया की चीजें आपके अंदर संस्कारों को पैदा करती है। आप जिसको देखते हैं वो संस्कार बन जाते हैं, और वो संस्कार स्मृतियों को पैदा करते हैं, फिर आप बहुत सारे यादों में अपने जीवन को जीते हैं, आंखों से देखा वो याद आता है, आपने बहुत सारा जीवन में अनुभव किया, कानों से आपने सुना, बहुत सारी चीजें सुनी। हमारे जीवन में 2 इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण है, एक आंख और दूसरी कान। हमारे जीवन का अधिकांश जो हिस्सा है अनुभूतियों का, स्मृतियों का, यादों का, उनमें इन 2 इंद्रियों का आधा हिस्सा। आपके पास जो भी चीजें हैं कानों से आपने सुनी है या तो आंखों से देखी है, और वो अधिकांश परांच खाणी वितरणत स्वयं हो तस्मात् परांग पश्यति नांच रात। ये हमारी आंख बाहर खोली है, इसका द्वार बाहर खुला है। जैसे आपकी आंख बाहर खुलती है तो आपका मन बाहर चला जाता है, हमारी चेतना बाहर चली जाती है, और बहुत सारी चीजें बाहर से लेकर के वो अंदर आ जाती है। किसी व्यक्ति का सौंदर्य, आकृति, उसकी कुरूपता, उसकी अच्छाइयां बुराइयां लेकर आंख हमारे अंदर आ जाती है, हमारे कानों के द्वारा भी बाहर की चीजें जब हम सुनते हैं तो उसकी ढेर सारी अच्छाइयां और बुराइयां ये कान हमारे अंदर में समाविष्ट कर देते हैं। मित्रणत स्वयं हो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरा। ये अनात्म बोध है, आत्मबोध नहीं है, आप कौन है? आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका परिचय क्या है? जब आप अपना परिचय देते हैं तो ये परिचय देते हैं कि मैं बैरागड़ा हूं, बैरागड़ा मने बैरागी, ये बैरागी थे, बैरागी महात्मा इनके वंशज थे, और वो ग्रस्त आश्रम में चले गए बाद में, तो वो बैरागड़ी लोगों ने बोला ये बैरागड़ा है। आपने अपना परिचय दे दिया, जय प्रकाश बैरागड़ा, लेकिन ये आइडेंटिटी आपकी बदलती रहती है। आप कभी रहे होंगे 25 साल के, फिर 50 साल के, ये आपकी आइडेंटिटी चेंज होती गई। ये हमारे जीवन की जो भी आइडेंटिटियां हैं वो चेंज होती जाती हैं। हम बच्चे थे, जवान हो गए, जवान है अब बूढ़े होंगे, बूढ़े होने के बाद फिर अस्तित्व जो है वो विसर्जित होगा, मरने के बाद हमारी कौन सी आइडेंटिटी है? ये सारी चीजें शरीर की हैं, आप कौन है, आपका परिचय क्या है? और वास्तविक बोध तो यही है, आपको जानना है, आपको अपने आप को जानना है, परमात्मा का और आपका जो संबंध है उसको समझना है। ये दुनिया के संबंध, ये दुनिया के रिश्ते आप कितना भी जान लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा आपके जीवन में बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती हैं, शोक आ जाते हैं, मोह आ जाते हैं, तनाव आ जाते हैं, डिप्रेशन आ जाते हैं। इसलिए एकमात्र चीज है जो आपको शोक मुक्त कर सकती है, आपको परम आनंद में ले जा सकती है, और वो आत्मबोध। हमें खुद को मिलना है, हमें खुद को जानना है, हम कौन है?
और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत गहरे शब्दों में बोला, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवान ने कहा तद्विद्धि माने ज्ञानम विधि आत्मबोध, आत्मबोध उस आत्मबोध का कारण क्या है। भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में तीन चीजें बोली हैं। पहली चीज भगवान ने रखा, आप जब अपने गुरु के पास जाते हैं आपको खुद को जानना है, आपको अपने आप को जानना है, आपको अपने में होना है, अपने अंदर होना है, तो आप उपाय ढूंढते हैं। जब आपको चीनी चाहिए, आपको कोई खाद्य सामग्री चाहिए, तो आप कहां जाओगे? आप दुकान जाओगे, आप दूध वाले के पास नहीं जाओगे। आपको मालूम है कि दूध वाले के पास आपको चीनी नहीं मिलने वाली है, आप दुकान ढूंढोगे। वो जहां पर वो चीज आपको मिलने वाली हो, आपको यदि दूध चाहिए तो आप दूध की दुकान ढूंढोगे, दूसरी नहीं ढूंढोगे। आपको ज्ञान चाहिए, आत्मबोध चाहिए, तो आप क्या ढूंढोगे? आपको मालूम है तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। आपको ज्ञान चाहिए तो गुरु आप ढूंढेंगे, आप गुरु की खोज करोगे, और वो ज्ञान आपको किसी दूध वाले की दुकान में नहीं मिलेगा, वो आत्म परिचय आपको मिलेगा कहां? इसलिए हमारी श्रुति ने कहा तद विज्ञानार्थम, अपने आप को जानने के लिए, खुद के परिचय के लिए आप ऐसे व्यक्ति को खोजोगे जिन्होंने अपने आप को खोजा, जिन्होंने अपने आप को जान लिया, और वो आपके गुरु हैं। तद विज्ञानार्थम गुरु में अभिगच्छेत्, और वो गुरु के पास जाओगे कैसे? एक तरीका है, जाने का एक तरीका है, बिना तरीके का आप जाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं है। हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने वाली कोई चीज है तो हमारा तरीका, यह हमारा संपूर्ण जो जीवन है वो तरीकों से परिपूर्ण है, और हम जो भी कुछ करते हैं हम अपने आप को तरीकों में बदलने के लिए। आप एक सामान्य उदाहरण आपके सामने रखूं, आप समझ जाएंगे। अब जैसे माइक सिस्टम है, माइक सिस्टम महत्वपूर्ण नहीं है, वो सेटिंग किस तरीके से की ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपने उसको किस तरीके से सेटिंग किया है बात महत्वपूर्ण है, उसकी सेटिंग वाली, वो तरीके वाली बात है। आपके पास बहुत बड़े बड़े कैमरे हैं, मान लो 5-5, 10-10 लाख रुपए के कैमरे हैं, लेकिन उसका टेक्नीशियन किस तरीके से करता है? क्या उसको रिकॉर्डिंग करने का तरीका आता है? और वो तरीका यदि उसको नहीं आता है तो बड़ी बड़ी मशीनें व्यर्थ हैं, उसको तरीका महत्वपूर्ण बना देते। आप बैठे हैं लेकिन आप कौन से तरीके से बैठे हैं? क्या आपको बैठना आता है? आदमी बोलता है ना कि भैया इसको तो बैठने का तरीका भी नहीं आता है। आप बोलते हैं, आपको बोलने का तरीका आता ही कि नहीं? आप ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान करने का तरीका आता ही कि नहीं? आपकी क्रियाएं व्यर्थ हैं यदि वो तरीके से नहीं है। वो तरीका, वो विधान उसको महत्वपूर्ण बना देता है। इसलिए आपको तरीका सीख लेना चाहिए, और वो हर चीज का तरीका है, वो हर चीज का तरीका है। आपको आप स्कूल जाते हैं तो आप सीख लेते हैं, वो बोलने के तरीके सीख लेते हैं, आप लिखने के तरीके सीख लेते हैं, आप बैठने के तरीके अपने माता पिता से सीख लेते हैं। आप जब बोल रहे थे तो पानी को कुछ और बोल रहे थे,
माँ ने आपको सिखा दिया तरीके से, बोलो बेटा पानी ना? पानी उस समय भी पानी नहीं बोल रहे थे आप, मम मम कुछ बोल रहे होंगे। दुनिया के हर बच्चे मम मम ही बोलते हैं, पता नहीं क्यों। आप किसी भी भाषा में जाइए, आप वहां बच्चा वो मम मम ही बोलता है। पनराज जी आपकी कन्नड़ भाषा है, और वहां का बच्चा भी जब बहुत छोटा होगा और वो पानी मांग रहा होगा तो मम्मा में बोलता होगा। आश्चर्य की बात है, माँ उसको सिखाती है बेटा मम्मा नहीं है ये, नीर नीर बोलो, पानी बोलो, जल बोलो, वो तरीका सिखा देती है। आपके जीवन को बहुत तरीके से बनाया गया है, आप इतना अच्छे बैठे हैं बिल्कुल आसन लगाकर, ये आपको सिखाया गया है, ऐसा बैठना सिखाया गया है। मैं कहना यही चाहता हूं कि आपको सीखना है, आपको तरीका सीखना है, आपको मरने तक सीखना है और कुछ नहीं करना है, सीखना है। और ये सीखना मने स्वयं के निर्माण की प्रक्रिया है। आप बोलना सीख रहे हैं, आप देखना सीख रहे हैं, आप चलना सीख रहे हैं, यहां तक कि आप क्रोध करना भी सीख रहे हैं। आपको क्रोध करना भी आना चाहिए, आप क्रोध भी करते हैं तो आप तरीके से करना चाहिए। यदि आप तरीके से करते हैं तो वो क्रोध भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी, और वो क्रोध भी यदि आप तरीके से नहीं करोगे तो वो क्रोध भी विनाशकारी होगा। जैसे आपके हाथ में एक अस्त्र है, आपके हाथ में एक तलवार है, और वो ढंग से यदि आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तरीके से तो वो आपके लिए भी वो तलवार मार सकती है। इसलिए क्रोध है वो भी तरीका जानना चाहिए, आपको उन उस क्रोध को कैसे व्यक्त करना है, कौन से शब्दों में करना है, किस तरीके से करना है, ये सीखना है। भगवान ने आपको एक तरीका बता दिया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप जब गुरु के पास जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, बोले प्रणिपात करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। आप गुरु के पास जाए तो सबसे पहला जो तरीका है नारायण, वो पहला तरीका है प्रणाम करो, प्रणाम करो। आप हाथ जोड़ो गुरवे नमः, सब लोग जोड़ो हाथ जोड़ो गुरवे नमः। आप गुरु के पास जाए तो आप प्रणाम करो, ये जाने का पहला तरीका, ये जाने की पहली विधि है, एक बहुत बड़ा शिष्टाचार है। आपने गुरु के सामने जाके प्रणाम किया, आपने हाथ जोड़ा, साष्टांग दंडवत हुए। साष्टांग दंडवत होना ये प्रणाम करने की एक विधि है, श्रेष्ठतम विधि है। आपने हाथ जोड़ा ये प्रणाम करने की विधि है। घुटने के बल पर आप बैठ गए और जमीन पर सिर रखकर अपने गुरु को या साधु महात्माओं को, अपने माता पिता को प्रणाम किया, ये एक विधि है। और ये आपके होने की सूचना है, आप चाहते क्या है, आप क्या है, आपके प्रणाम करने के तरीके से ही मालूम पड़ता है आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। अहंकारी आदमी कभी तरीके से प्रणाम नहीं करता है, अहंकारी आदमी कभी झुकता नहीं है। जो विनम्र होता है, जो अपने आप को मिटाना चाहता है, वो आदमी प्रणाम करता है। अपने व्यक्तित्व को गुरु के व्यक्तित्व में मिला देने का नाम ही प्रणाम करना है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं नमे इति नमः। आपने हाथ जोड़ा मने आपने समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, अब मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। आपने प्रणाम किया मने अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल तरल बना दिया, द्रव द्रव बना दिया, द्रव द्रव माने आप जिसमें डालोगे वही उसका आकार बनेगा। जैसे आपका दूध पतला है, आप गिलास में डालोगे तो उसका आकार गिलास बन जाएगा, थाली में डालोगे तो उसका आकार थाली बन जाएगा, आप उसको कटोरे में डालोगे तो उसका आकार कटोरा बन जाएगा। लेकिन वही दूध जब बर्फ की एक शीले में बदल जाए,
वो कठोर हो जाए तो आप उसको किसी भी आकार में आकारित नहीं कर सकते हैं। आप उसको कटोरे में डालेंगे तो कटोरे के आकार नहीं बनेगा वो। आप गिलास में डालोगे तो गिलास के आकार में नहीं आएगा, उसका अपना आकार होगा। जिसका अपना आकार होता है वो दूसरे के आकार को ग्रहण नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी शर्त है। जो अपने आकार को छोड़ना नहीं चाहता है वो दूसरे के आकार को ग्रहण नहीं कर सकता है। यदि आपको दूसरे के आकार को ग्रहण करना है तो पहली शर्त है आपको अपना आकार छोड़ना पड़ेगा। आपका दूध पतला है माने वो उसका अपना कोई आकार नहीं है। अब वो जिस आकार में आप ढालोगे उस आकार में वो बन जाएगा। आप गुरु के सानिध्य में गए, अब आपका कोई आकार नहीं है, अब आप गुरु के आकार में आ सकते हैं। आपने गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया, नमस्कार किया, माने अपने आकार को छोड़ के गुरु के आकार को ग्रहण कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आपने साष्टांग प्रणिपात किया गुरु के चरणों में, आपने अपने आकार को, अपने अहंकार को, अपने होने को, अपने अस्तित्व को द्रव के रूप में बदल दिया और वो गुरु के आकार में आकारित हो गया। ये प्रणाम करना कोई सामान्य बात नहीं है। प्रणाम करना माने परम विनम्रता है, अपने अहंकार का विसर्जन। इसलिए भगवान ने अनिवार्य शर्त के रूप में पहली बार रखा, आप गुरु के सानिध्य में जाओगे तो पहली शर्त ने प्रणिपात। ये बहुत बड़ा शिष्टाचार। आप गुरु के पास जाओ तो सबसे पहले प्रणाम करो। आप विनम्र होंगे तो गुरु को प्रणाम करोगे, और विनम्र नहीं होंगे तो आप प्रणाम ही नहीं करोगे। आदमी के प्रणाम करने के तरीके से मालूम पड़ता है आदमी कितना आस्थावान है। आपके अंदर कितनी आस्था, आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, आपके प्रणाम करने के तरीके से मालूम पड़ता है। बहुत से लोग प्रणाम करते हैं शिष्टाचार, चलो हाथ उठाया, यूं कर दिया, हो गया। ये बहुत गहरी बात है, एक बहुत बड़ी साधना है। भगवान ने कहा आत्मबोध को पाने का पहला उपाय है प्रणिपात करना। एक आश्चर्य की बात है, आपको तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है तो तत्व ज्ञान को पाने का उपाय क्या है, तो भगवान ने सबसे पहला उपाय बता दिया, प्रणिपात करना, प्रणाम करना। आप कल्पना भी नहीं कर सकते आत्मबोध का और प्रणाम करने का क्या संबंध। लेकिन भगवान कहते हैं आपको आत्मबोध को पाना है आप प्रणाम करो, पहली शर्त है। ज्ञान को पाने की पहली शर्त है प्रणाम करना। प्रणाम माने अपने अहंकार का विसर्जन है, अपने व्यक्तित्व को छोड़ना है। महात्मा लोग एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया करते हैं, आप ध्यान देके सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। माताएं सब्जियां बनाती हैं, बहुत अनेकों प्रकार की सब्जियां बनाती हैं। आप आलू की सब्जी बनाते हैं, बैंगन की सब्जी बनाते हैं, करेले की सब्जी बनाते हैं, गोभी की सब्जी बनाते हैं, मटर की सब्जी बनाते हैं, बहुत सारी सब्जियां बनाते हैं आप। उन बहुत सारी सब्जियों में एक सब्जी बड़ी महत्वपूर्ण है और वो सब्जी है आलू की सब्जी। आलू की सब्जी को आप किसी भी सब्जियों में मिला के बना सकते हो। आप आलू को बैंगन में मिला के बना सकते हैं। आलू की सब्जी की बड़ी विशेषता, आप उसको बैंगन में मिला दोगे तो वो बैंगन की सब्जी को और स्वादिष्ट बना देता है आलू। आपने आलू मिला दिया, अब वो खुद भी स्वादिष्ट बनेगा और वो बैंगन की सब्जी को भी और स्वादिष्ट बना देगा। आप उसको पालक में मिला दोगे तो पालक को और स्वादिष्ट बना देगा। आलू पालक के सब्जी को और स्वादिष्ट बना देता है और वो खुद भी स्वादिष्ट हो जाता है, उसका भी स्वाद अलग हो जाता है, उसका भी स्वाद बढ़ जाता है। आप आलू को मटर में मिला दोगे, आलू को गोभी में मिला दोगे, आलू को बोलो बोलो
थोड़ा बोलते भी जाओ बैरागड़ा जी। आप आलू को चने में मिला दो, उसका स्वाद बढ़ जाएगा, चने का स्वाद बढ़ जाता है। आलू के सब्जी की सबसे बड़ी विशेषता वो जिसमें मिलती है उसके उसका स्वाद और बढ़ा देती है, अपना स्वाद भी बढ़ा देती है। आलू के सब्जी की सभी सब्जियों के साथ दोस्ती है नारायण, लेकिन आप करेले की सब्जी को किस सब्जी के साथ मिला के बनाते हो? करेले की सब्जी की किसी की भी साथ दोस्ती नहीं है। आप जिसमें मिलाओगे वो दूसरे को कड़वा कर देगा, वो अपने अस्तित्व को दूसरे के अस्तित्व में मिलाकर उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर देता है। वो जो करेला है, आपकी बहुत मूल्यवान सब्जी है, 1000 रुपए किलो की सब्जी, और मिला दो करेले के साथ, करेला सबसे पहले क्या करेगा? उसका स्वाद खा जाएगा, अपना स्वाद डाल देगा उसमें, उसको कड़वा कर देगा। हमारी साध्वी कंचन आई हैं, बड़ी भजनानंदी, हमारे आचार्य श्री निर्वाण पीठाधीश्वर जी महाराज जी की शिष्या है। वहां पर एक शिवानंद आश्रम है और शिवानंद आश्रम में शिवानंद जी महाराज जी, चिदानंद जी महाराज जी की शिष्या हमारी बड़ी प्रिय दीदी स्वामी श्री चिन्निष्ठानंद सरस्वती जी महाराज, उनके पास एक कोई सेविका थी और वो भोजन बहुत बढ़िया बनाती थी, लेकिन उनको पता नहीं कहां से मालूम पड़ा मेरे को करेला बहुत अच्छा लगता है। अब वो मेरे को मालूम नहीं था, शायद मैंने करेले का उदाहरण दिया था तो इसलिए उनको ऐसा लगा होगा कि मेरे को करेला बहुत पसंद है। आदमी को ऐसा लगता है, यदि मैं 2-4 बार बैंगन बैंगन बोलूं तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को शायद बैंगन ज्यादा पसंद है, और संभावना तो यही है कि आप मेरे को बैंगन की सब्जी खिला दोगे। एक बार मैंने ढोकले का उदाहरण दिया लोगों को मुंबई में, दूसरे दिन कई माइयों ने ढोकला ला के रख लिया, तो मैंने कहा मैया आज इतना ढोकला कैसे आया? उन्होंने कहा कि महाराज आपको ढोकला बहुत पसंद है। मैंने कहा क्यों? अरे बोले आज प्रवचन में 2-3 बार ढोकला ढोकला बोला आपने। वो बीकानेर वाली माता जी को ऐसा लगा कि मेरे को करेला बहुत पसंद है। जैसे मैं भोजन करने के लिए बैठा तो मैंने देखा उसमें दाल भी कड़वी थी, सब्जी तो कड़वी थी ही थी, दाल भी कड़वी। मैंने उनको बोला मैया ये तो दाल कड़वी है। उन्होंने बहुत प्रसन्नता से कहा कि महाराज मैंने इस दाल में करेला मिलाया है, ये दाल करेला बनाया आपके लिए, दाल करेला बनाया, करेला दाल। मैंने कहा मैया ये तो पूरी दाल ही कड़वा कर दी। उन्होंने कहा आपको पसंद है। और उन्होंने कहा कि जब तक आप बीकानेर में यहां रहोगे तब तक मैं यही दाल आपको खिलाऊंगी। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा मैया मेरे को भगाना है क्या? करेले का एक स्वभाव है, आप जिसमें मिलाओगे ना उसके स्वाद को खा जाता है। करेले की सब्जी की किसी की भी साथ दोस्ती नहीं है, किसी के भी साथ दोस्ती नहीं है, किसी भी सब्जी के साथ दोस्ती नहीं है। और आलू के सब्जी की सबके साथ दोस्ती है। जो विनम्र आदमी होता है उसकी सबके साथ दोस्ती होती है। जो विनम्र आदमी है वो आलू के सब्जी की तरह है। और जो अहंकारी आदमी होता है, जो विनम्र नहीं होता है, वो करेले के सब्जी की तरह है। उसी किसी के भी साथ दोस्ती नहीं होती है। वो अपने विचारों को दूसरों पर लादने की कोशिश करता है, अपनी भावनाओं को दूसरों पर लादने की कोशिश करता है। वहां पर संघर्ष है, वहां पर बहुत सारी चीजें संघर्ष को जन्म दे देती है। मैं आपको पूछता हूं, आप करेले की सब्जी हो कि आलू की सब्जी हो? ईमानदारी से, अध्यात्म में ईमानदारी चलती है, यहां बेईमानी नहीं चलती है।
आप संसार में बेईमानी से कोई चीज प्राप्त पा सकते हैं, लेकिन अध्यात्म में आप बेईमानी नहीं कर सकते। यहाँ पर जो भी चीजें हैं बिल्कुल साफ साफ होती हैं। आप आलू की सब्जी हैं कि करेले की सब्जी है, ईमानदारी से आपकी सबके साथ पटती हैं, दोस्ती हैं, समझ लो आप कौन सी सब्जी हैं।